नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद में बम्बा रोड मोहल्ला चिश्ती नगर सलीम मंजूर की बाउंड्री में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रभारी अवधेश सिंह जादौन, महानगर अध्यक्ष हादी हसन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष इमरान मंसूरी, उपाध्यक्ष इकरार अलवी, महासचिव सलमान खान का क्षेत्रीय लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए फिरोजाबाद के 70 वार्डों में जाकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे भाजपा को परास्त किया जा सके। इस मौके पर मोहम्मद शाहरुख, छेरीलाल पेंटर बाबू, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद साजिब, अजीम खान, सोहेल खान, फरीम अहमद, महबूब अली, रहमान अहमद, समीर खान, नूर आलम आदि लोग उपस्थित रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद बम्बा रोड सलीम मंजूर की बाउंड्री पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हादी हसन अंसारी जी और इकरार अहमद साहब जिला उपाध्यक्ष और सलमान खान जिला महासचिव छात्र सभा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ की जनता ने स्वागत किया, सम्मान किया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और ताकि आने वाली सरकार प्रगतिशील और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में जो नई सूरत हाल पैदा हुई है और जनता के बीच में जो संदेश गया है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में ठोको सरकार का अंतिम समय आ गया है। अब जनता ठोको सरकार से ऊब चुकी है और वो पूरी तरह से ये निर्णय ले चुकी है कि उत्तर प्रदेश में